हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सन कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, एयरटेल कभी किसी समय जो है काफ़ी महंगे प्लान आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। लगभग 300 रुपये के आसपास 1 GB डेटा देता था और कॉलिंग्स तो आपको किसी प्लान में मिलती ही नहीं थी। अनलिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए कोई भी प्लान जियो के आने से पहले नहीं था। लेकिन आज आपको पता है एयरटेल जो है काफ़ी सस्ते प्लान दे रहा है और काफ़ी अच्छे प्लान दे रहा है। कल मैंने बताया था कि एयरटेल की तरफ से जो 399 रुपये वाला प्लान है वो रिवाइज किया गया है। अब उसमें आपको जो है रोजाना 2.4 GB डेटा दिया जा रहा है, यानी कि जियो के प्लान से भी ज़्यादा डेटा वहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। आपको पता होगा जियो फोन के लिए जियो ने लॉन्च किया है 49 रुपीज़ वाला प्लान, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलते हैं, वह 1 GB डेटा मिलता है, वह 28 डेज का वैलिडिटी वहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर एयरटेल की तरफ से भी कुछ ऐसा ही प्लान आया है केवल 69 रुपीज़ में। यानी कि आज एयरटेल कहाँ पर आ गया है, 300 रुपये के प्लान में आपको कुछ वहाँ पर सिर्फ डेटा दिया जाता था, कॉलिंग्स की तो बात ही नहीं थी, और आज जो यहाँ पर प्लान आया वो केवल 69 रुपीज़ का। तो आज के इस वीडियो हम एयरटेल के 69 रुपीज़ वाले प्लान के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जियो के आने से पहले जितने भी ऑपरेटर्स थे वो आप लोगों को काफ़ी महंगे प्लान्स देते थे। किसी भी प्लान में आप लोगों को अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स नहीं मिलते थे। किसी प्लान में तो आपको जो है वहाँ पर जो है 30 पैसा कॉल दे दिया जाता था, किसी में 50 पैसा कॉल दे दिया जाता था, किसी में पर सेकंड कॉल दे दिया जाता था। यानी कि अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स के लिए उस समय कोई भी प्लान नहीं था और डेटा के प्राइस मैंने बताया काफ़ी महंगे थे। लेकिन अभी जियो ने जियो फोन के लिए कुछ समय पहले जो 49 रुपीज़ वाला प्लान पेश किया था, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अच्छे बेनिफिट वहाँ पर अभी मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर एयरटेल की तरफ से भी कुछ ऐसा प्लान आया केवल 69 रुपीज़ में। तो एयरटेल भी फिलहाल 69 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपके लोकल STD व रोमिंग कॉल्स भी शामिल हैं। और यहाँ पर डेटा की बात की जाए तो एयरटेल के इस प्लान में आपको डेटा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सिर्फ कॉलिंग के लिए प्लान है। यानी कि फिर भी काफ़ी अच्छा प्लान है अगर पहले से एयरटेल को कंपेयर किया जाए तो। अभी देखिए 69 रुपीज़ में 28 डेज पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, मतलब एयरटेल जियो की वजह से आज कहाँ आ चुका है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जियो की वजह से जो दूसरे ऑपरेटर से वो फिलहाल काफ़ी अच्छे प्लान्स आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एयरटेल का जो 69 रुपीज़ वाला प्लान है वो एक सेगमेंटेड प्लान है, यानी कि कुछ ही यूजर्स के लिए वो फिलहाल अवेलेबल है। तो आप एक बार अपने माई एयरटेल ऐप में चेक कर लीजिए कि आपके लिए ये प्लान अवेलेबल है या नहीं है। वैसे अगर एयरटेल जो ये 69 रुपीज़ वाला प्लान है इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराता है, यानी कि जो एक फीचर फ़ोन जो एक 2G फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके लिए भी एयरटेल जो 69 रुपीज़ वाला प्लान है उसे उपलब्ध कराता है तो उनके लिए तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर कोई भी अनलिमिटेड प्लान्स नहीं मिलता है एक 2G फ़ोन में। तो यहाँ पर एयरटेल को ये जो प्लान है वो सभी यूजर्स के लिए कर देना चाहिए। इस बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।